हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर का महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, हम आज से इंडेक्स नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, हमने ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी बना करके रखे हैं, तो जरूर वहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे सुपरस्टार बैच को ज्वाइन कीजिए, जो 2023 सेशन के लिए हमने बनाया है। ये हमारे ऐप पर चलता है, स्काई एजुकेशन, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री बैच स्काई एजुकेशन पर सुपरस्टार नाम का चल रहा है, क्योंकि आप ही सब हैं सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। हम करेंगे आपको गाइड और इन वीडियोस के माध्यम से बहुत सिंपल और आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम पढ़ाई जारी रखने वाले हैं। बात करें आज के चैप्टर की दोस्तों, तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा खास चैप्टर है जो 8 मार्क का वेटेज रखता है और पूरे सिलेबस का सबसे आसान और सबसे सिंपल चैप्टर है। जी हाँ, अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे आसानी से 8 मार्क देने वाला कोई चैप्टर है तो वो इंडेक्स नंबर है। बॉस, इससे जरा भी डरने की जरूरत नहीं। आपने मैथ्स लिया हो या मैथ्स ना लिया हो, आप एसपी स्टूडेंट हो, कोई भी टाइप के स्टूडेंट हो आप ये 4 फॉर्मूला के आधार पर बेसिक तौर पर बेसिक सम सॉल्व करके भी इस चैप्टर को जो है आसानी से पार कर सकते हैं और 8 मार्क ला सकते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसका बेसिक थियरी पढ़ेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1 विद एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी हाँ, इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। पहला शब्द जो यहां पर आता है ना, बहुत जबरदस्त है। स्टेटिस्टिकल टूल बोलता है, क्या बोलता है? स्टेटिस्टिकल टूल बोलता है, क्या बोलता है भाई? स्टेटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। याद रखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये स्टैटिस्टिक्स के बिना अधूरा है। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के बिना अधूरा है बॉस, याद रखना। आंकड़ों का सब कुछ खेल है, अर्थशास्त्र आपका आंकड़ों पे चलता है। अगर नंबर्स नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है आपके पास, तो आप सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टैटिस्टिक्स का समावेश होता है। इंडेक्स नंबर भी स्टैटिस्टिकल टूल है जो आपको चेंजेस मेजर करने में मदद करता है। हमने 9th-10th के अंदर बचपन में मीन, मोड, मीडियन जैसी चीजें पढ़ी हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज जिन्हें हम कहते थे। इंडेक्स नंबर उसी कड़ी में एक आगे आपको स्टैटिस्टिकल टूल दिया गया है, ताकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या बदलाव आए हैं वो समझाने में मदद करता है। एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो 2010 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 2022 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ये कंपैरिजन, ये डिफरेंस जांचने के लिए इंडेक्स नंबर जैसा टूल काम आता है। तो बस यही है इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल टूल जो आपको चेंजेस मेजर करने में मदद करेगा। यस, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल म्हणजे खूप सारे इकोनॉमिक वेरिएबल असतात, जैसे कि पॉपुलेशन एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, अनएम्प्लॉयमेंट वेरिएबल है, ऐसे कई इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल यानी वो जो वेरी होते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इनमें बदलाव आते रहते हैं। तो ये वेरिएबल में क्या बदलाव आया है वो चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर काम आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर्स वेयर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल, यानी कितना उतार चढ़ाव मार्केट में आ रहा है, प्राइजेस में आ रहा है, ये जांचने के लिए इंडेक्स नंबर बनाया गया था। Yes, लेकिन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर ट्रेंड्स इन वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज, दैट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट प्राइजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इंडेक्स नंबर को वाइडली अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे और कोशिश करेंगे डेफिनेशंस के साथ साथ इसके फीचर्स को भी समझने की। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो स्पाइगल का डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। स्पाइगल भाई साहब कहते हैं, इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर। स्टेटिस्टिकल मेजर है कशासाठी? टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, यानी बदलाव कितना आया ये जांचने के लिए इंडेक्स नंबर है स्वाहा। याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रेफरेंस टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब टाइम के साथ किसी चीज में कितना बदलाव आया, जैसे प्राइस 2010 में इतना था, 2022 में इतना था, कितना चेंज आया वो आपको पता लगा सकते हैं आप इंडेक्स नंबर के जरिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन भाई,
याद रखो ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब अमेरिका दूर दराज का देश, इंडिया यहां। तो अमेरिका और इंडिया की इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये नंबर्स के जरिए हम स्टैटिस्टिक्स के जरिए जान सकते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। सिमिलरली अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि किसी का प्रोफेशन, किसी की इनकम, इन चीजों के आधार पे भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यार स्टैटिस्टिक्स के जरिए एक्चुअल में डेटा क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, किस तरह से अलग अलग बदलाव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं। तो इंडेक्स नंबर यही मदद करने में मदद करता है, इट शोज द चेंजेस इन वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पाइगल के माध्यम से हमने पढ़ा, अब बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की ओर। दूसरा जो डेफिनेशन है ये क्रॉक्सटन और कॉर्डन का डेफिनेशन है। आहा, क्रॉक्सटन और कॉर्डन भाई साहब जो डेफिनेशन दे रहे हैं इसमें वे कहते हैं इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस। सेम, फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। यानी मैग्नीट्यूड म्हणजे किती मोठा बदल आलेला आहे, किती फरक आलेला आहे, वो अगर चेक करना है तो हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। वेदर प्राइस में हो, क्वांटिटी में हो, प्रोडक्शन वगैरह में, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी में कितना बदलाव आया है, वो मैग्नीट्यूड हमें समझना है तो हम इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से दो सिंपल से डेफिनेशन हमने देखे। चलिए अब नजर डालते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। इंडेक्स नंबर की खासियत हमें बताएंगे, जो जो मैं अंडरलाइन करूंगा आप भी कीजिएगा। सबसे पहले इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस। आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के जरिए खेलते हैं, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिकल डिवाइसेज है भाई। इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। दो चीज अंडरलाइन किया, तुम भी कर लेना बॉस। स्पेशलाइज्ड एवरेज है, जैसे मीन मोड मीडियन के अंदर भी हम स्पेशलाइज्ड एवरेज हमें मिलता था, तो वैसा ही यहां पर इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है जो हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस होकर के नजर आता है। बात करें तीसरे फीचर की, तो इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। याद रखिए, दो सालों के बीच, years के बीच, time period के बीच जो बदलाव particular variable में हो रहे हैं वो measure करता है, उसका net change हमें समझाता है index number। तो यहां पर total तीन features हमने देखे। बढ़ते हैं आगे, इन तीन features के अलावा कुछ basic features और भी हैं, जैसे कि यहां देख सकते हैं आप कि बॉस index number which is completed for single variable, एक वेरिएबल यानी सिर्फ प्राइस या सिर्फ पॉपुलेशन, सिंगल वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में फिलिप्स में आ सकता है। फॉर सिंगल वेरिएबल इंडेक्स का टाइप क्या है, यूनिवेरिएट, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट। और अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, पॉपुलेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो वेर इज एन इंडेक्स विच इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तर त्याला म्हणतात कंपोजिट इंडेक्स। मैं वापस से समझाता हूं, चौथा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। एक वेरिएबल के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवेरिएट। और एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडेक्स नंबर का, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट नंबर पांच में, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज करंट ईयर। ज्या वर्षासाठी कैलकुलेशन होतोय त्याला म्हणतात करंट ईयर। याद क्या रखोगे, याद रखना है बहुत सिंपल, जो साल के लिए कैलकुलेशन हो रहा है उसे करंट ईयर कहते हैं, और जिस साल से कंपैरिजन हो रहा है उसे बेस ईयर कहते हैं। मैथ्स वालों को ऑलरेडी आता होगा, आता है तो जरा थम्स अप मारना भाई, लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है, बता दीजिएगा। यस, क्या बेस ईयर 2010 है, करंट ईयर 2022 है, मतलब जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो बेस ईयर है, जिसको देख के चेंजेस मेजर करने वाले हो वो बेस ईयर है, और जिसमें कैलकुलेशन हो रहा है वो करंट ईयर माना जाता है। एग्जाम में ना दो साल दिए होते हैं, जैसे 2010 और 2015 दिया है, तो 15 का कैलकुलेशन हो रहा है तो 15 क्या होगा, करंट ईयर होगा, और 10 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10 में से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 10 होगा हमारा बेस ईयर। उसी तरह 2021 और 22 दिया है, तो 22 क्या होगा, हमारा करंट ईयर होगा, और 21 क्या होगा, हमारा बेस ईयर होगा। इस प्रकार से अलग अलग ईयर्स को क्वेश्चन में दिए होंगे और हमें करंट ईयर और बेस ईयर हमेशा पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं आखिरी। यस, ये जो पॉइंट्स हैं फीचर्स के, कहते हैं द बेस ईयर्स इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100, अंडरलाइन कर लेना। बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, ये अज्यूम किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली
करंट ईयर को भी कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से तब समझेगा जब हम सम्स करेंगे। अगले लेक्चर से हम कोशिश करेंगे सम्स करने की, और बेसिक सम्स है, एकदम हलवा है। एसपी वालों को बहुत अच्छे से आ सकता है, मैथ्स वालों को तो आता ही होगा, ये आराम से आप कर लोगे। यस, और आखिरी पॉइंट की यहां बात करूं तो इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मंजे वागाचे पंजे, याद रखिए। ये एक सिग्नल की तरह है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो सिग्नल देते हो लेफ्ट का तो आप लेफ्ट मुड़ने वाले हो, ये दूसरों को बता रहे हो आप। राइट का सिग्नल देते हो आप दूसरों को बता रहे हो आप राइट मुड़ने वाले हो, मतलब वो जो सिग्नल है वो एक बैरोमीटर है कि आप कहां मुड़ोगे, समझे कि नहीं, दूसरों को पता चलता है। वैसे ही ये इंडेक्स नंबर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से पता चलता है कि आपका देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कितनी प्रगति कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है, उस साल के मुकाबले इस साल कितना आगे बढ़ा है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना प्राइस में चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें बैरोमीटर्स ही आपको समझाते हैं, और इसीलिए इंडेक्स नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिएगा, और यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोज लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।